अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश और खुशहाल होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। कुछ दोस्तों में तजस्सुस पाया जाता है, ये कौन सी जगह है, किस तरह का कमरा है, हम इसमें वीडियो बनाते रहते हैं। आपको पता है अजीब सा कमरा है, और इसमें मैं आपको आज इस पूरे कमरे का विजिट कराता हूँ। छत से शुरू करते हैं, ये देखिए छत पर गार्डर आउटरियर, ये बिजली की वायरिंग हुई है, और ये हमारा रेस्ट रूम है। मैं आपको बता दूँ, आपने वीडियो पूरी देखनी है, इसमें बहुत सी नॉलेज में आपको इजाफा होने वाला है, बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ये हमारा सोलर पैनल पड़ा हुआ है गर्मियों के लिए, और ये एक असारे कदीमा की अलमारी आप देख रहे हैं, और ये साथ में बिस्तरा है हमारा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। दीवार आप देख सकते हैं, मैं आपको बाहर से भी दिखाऊंगा, बहुत अजीब है। और ये दूसरी अलमारी है जो कि कुछ नई है, थोड़ी सी हमारे रेस्टोरेंट में पड़ी रहती है। और ये आपको मैं देख सकते हैं, इसमें ये आपको तवा नज़र आ रहा है, ये जो पुराने ज़माने में रोटियां पकाने के लिए इस्तेमाल होता था। और ये बाहर का व्यू है, और ये जो देहात ब्रोच करते हैं तो ऊपर जानते, और ये सरकारी संदूक है जो बहुत ही पुराने स्कूलों में अंग्रेज दौर में दी जाती थी स्कूलों के अंदर। और ये हमारी चायदानी पड़ी हुई है, और ये कैन है जहाँ हम पानी भर के बहुत दूर से लाते हैं, और ये चौकी, और ये हुक्का है, और ये इसका तंबाकू पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं कुछ दोस्त हुक्का पीते हैं। और उसके बाद पानी की कैन भी आप देख ली। बाहर का व्यू थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ, आपको अजीब सा ये कमरा जिसकी सबसे तफसील बताने लगा हूँ। ये देखें, ये कभी किचन हुआ करता था, और ये आपको मैं बाहर से व्यू दिखाता हूँ। ज़बरदस्त पुराने लोग भी क्या रंगीन मिजाज थे। और ये मैं आपको दिखाता हूँ इसके बाहर का व्यू कि ये किस तरह से बना हुआ है पत्थरों से। और ये पत्थर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये पत्थर, बड़े बड़े पत्थर हैं, पुराने ज़माने में इनसे बनाए जाते थे। उस टाइम ईंटों का कंसेप्ट नहीं हुआ करता था, और ये इनके सुराखों के दरमियान छोटे छोटे से पत्थर काट कर लगाए जाते थे ताकि इनमें लचक ना रहे। और ये बाहर का चूल्हा है, मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पर हम कभी कुकिंग कर लेते हैं अच्छा मौसम हो तो। और ये देखेंगे, ये बाइक भी खड़ी हुई है, और ये छोटी सी जो ये जो कुकिंग करता है आदमी, इस पर बैठ के जहाँ पर चूल्हे के ऊपर कुकिंग करता है, तो जहाँ पर हम कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। और ये बाहर का व्यू भी मस्त है बहुत ज़्यादा। ये वायर भी आपको नज़र आ रही है सोलर पैनल की, हमें इधर गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी के अंदर खुश्क पहाड़ होते हैं, तो ये इसलिए भी ज़रूरी होता है। तो ये इसके जो पत्थर हैं, ये मैं आपको बता दूं कि ये इस तरह के अजीब अजीब पत्थर हैं कि बहुत ही वजनी, भारी और मजबूत है। और ये इन दूर पहाड़ों से, बड़े बड़े पहाड़ों से निकाले जाते हैं। ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं, ये इधर मकामी लोग निकाल के अपने मकान बनाते हैं इन पत्थरों से। तो ये आसारे कदीम गए, ये जो कमरा आप देख रहे हैं इन पत्थरों से बना हुआ है। अब मैं आपको ये चारपाई दिखा रहा हूँ, ये तो आप जानते ही हैं। अंदर चल के कुछ और चीज़ें भी रहेगी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कैन है हमें पानी भरने के लिए, नीचे कप भी पड़ा हुआ है, नीचे वो टोकरियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं, और ये विंडो है बाहर से हवा के लिए, और ये मॉडर्न दौर के हेलमेट भी रखी हुई है, कप्स रखे हुए हैं, काफ़ी बने, इस पर हिसाब किताब चलता रहता है। और ये ताला पुराने ज़माने का, और ये प्लेट, और ये मास्क भी कोरोना की वजह से प्लेट भी आप देख सकते हैं। उसके बाद ये बाल्टी पड़ी हुई है, इसके साथ दो तीन देगचियाँ पड़ी हुई हैं जितने लोगों को थे उसके मुताबिक। और जो पुराने ज़माने के लालटेन है, जो अगर आपने देखे हुए हों तो ये रोशनी के लिए इस्तेमाल होते थे जब बिजली नहीं हुआ करती थी, बल्ब का कंसेप्ट नहीं था। ये सारे कदीमा की अलमारी है, और ये आप देख सकते हैं, तो जहाँ रोशनी के लिए रोशनदान भी है, और ये बिजली के बिल है, मीटर लगा हुआ है हमारा। तो इसके बाद ये संदूक मैंने आपको बताया था सरकारी स्कूलों में होती थी पुराने ज़माने में रिकॉर्ड रखने के लिए। तो ये शीशा भी हमारा टूट चुका हुआ है, देखें तो कैसे लग रहे हैं, ये देखें टूटा टूटा लग रहा है। खैर, ये जगह MS लिखा हुआ है, ये हमारा कोड वर्ल्ड है, तो कहीं अगर खो भी गया तो पता चल जाएगा ये इधर का है, जहाँ पर चोरी का सिस्टम बिल्कुल नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे बिस्तर शिस्तर है, हम रेस्ट वेस्ट करते रहते हैं, और ये व्यू है मस्त व्यू बाहर का। बहुत बादल जब होते हैं या बारिश होती है, बहुत ज़बरदस्त है। ये घूम करके देख लें, छोटे छोटे बिल्कुल पत्थर पड़े हुए हैं, जिन पत्थरों से ये मकान बना हुआ है कमरा, वही पत्थर पड़े हुए हैं। खुश्क ये झाड़ियाँ आपको नज़र आ रही होंगी, ये चश्मा भी रखा हुआ है, और ये इधर से पानी गिरता रहता है। ये काला संदूक जहाज के ब्लैक बॉक्स की तरह रिकॉर्ड करने के लिए, जहाज मर्जी तबाह हो जाए लेकिन ब्लैक बॉक्स तबाह नहीं होता। और ये आप देख सकते हैं दरवाजे भी आप देख लें, लकड़ी के बने हुए हैं ओरिजिनल, बहुत ही पायदार लकड़ी,
मजबूत तरीन लोहे से भी ज़्यादा मजबूत है, इसको पता नहीं कितने ही साल गुजर चुके हुए हैं। तो ये है बहुत ज़्यादा पुराना और ये इसकी लिपाई की गई है, जो अंदर भी पत्थर थे जिस तरह प्लस्तर किया जाता है, तो पुराने ज़माने में लोगों के अंदर ये शूर था वो मिट्टी का प्लस्तर चढ़ाते थे, ये अभी तक मिट्टी का प्लस्तर चढ़ा हुआ है, अब तो सीमेंट आ गया। खैर उस टाइम ये मिट्टी का प्लस्तर ब्लाउज लोग चढ़ा लिया करते थे अपने कमरे को खूबसूरत करने के लिए। ये फर्श भी ईंटें आप देख सकते हैं बहुत पुरानी हो चुकी हैं, फर्श इसका पहले नहीं था, ये बाद में बनाया गया और ये ईंटें आप देख सकते हैं टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। खैर हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतर है और ये बल्ब भी हमने लगा लिया हुआ है और ये जल भी रहा है, रात को अगर यहाँ स्टे करना पड़ जाए तो हम यहाँ पर इजीली स्टे कर सकते हैं, हमें कोई मसला नहीं होने वाला। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इसकी कितना पुराना होगा, इसकी ईंटें टूट फूट का शिकार हो चुकी हुई है और आप देख सकते हैं गार्डन कितना जंग हो चुका हुआ है और पुराने ज़माने में शायद इधर रंग रोगन का हिसाब किताब नहीं हुआ करता था। आप मेरे साथ रहें इंशाल्लाह, मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में इस तरह की इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा दूंगा इनके रस्म व रिवाज के मतलब कि इनके ये देखें जहाँ पर जो सामान कमरा मौजूद होता था तो ये जो कंबल वगैरह से लटका लिया करते थे ताकि जगह भी बच जाए और ये भी सेफ रहे और जब मौसम सर्दी का जाता था ये उतार के इस्तेमाल कर लिया करते हैं। तो मेरे आप साथ रहें, मैं इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा अजीब किस्म की चीज़ें आपको बताऊँगा इनके रस्म व रिवाज के हवाले से, खाना पीना एक एक चीज़ बताऊंगा और कोई पुराना बंदा इधर हमारे साथ एक होता है उससे हम तमाम मालूमात लेंगे और वो आपके सामने इंशाल्लाह शेयर करेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी भी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंटरेस्टिंग सी वीडियो शेयर भी कर दें। बाहर का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तो आपने देखा ही हुआ है पहले बहुत सी वीडियोज़ में, तो मैं आपको कोशिश करूँगा नेक्स्ट व्लॉग में मैं यहाँ के मकामी किसी बड़े आदमी को बुज़ुर्ग को उसके साथ इंटरव्यू करूंगा तो उससे आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। आपने जो सवाल भी पूछना हो इस कस्टम जिस रस्म रिवाज के मतलब तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि ये कुकिंग भी है आज तो की है, तो ये देखिए हमारी कैसी बनी है, ये सेवियाँ सूजी सबूनी कुछ नहीं है, सेवियाँ जहाँ ऐसे पकाई जाती हैं। आपने जो मालूम लेनी हो नीचे सवाल आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको उसका जवाब मिलेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, फिर किसी ना किसी व्लॉग में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। तब के लिए तब तक लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए आप जो कुछ इस सकाफत के बारे में जानना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा भाई।